हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर अस्थमैटिक जो पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने की परेशानी ज़्यादातर रात में ही क्यों आती है, आखिर ऐसा उनके साथ क्या होता है कि सिर्फ रात में ही उनकी सारी परेशानियाँ बढ़ जाती है, जैसे कि सांस लेने की तकलीफ, खांसी, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनना और साथ ही साथ सीने से आवाज़ आना। अब ये सीने से आवाज़ कैसे आती है, बिल्कुल रैटलिंग साउंड जैसे, जैसे घड़घड़ की आवाज़ आती है। आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों अस्थमा पेशेंट की परेशानियाँ खासकर रात में ही बढ़ती है, तो चलिए इसी वीडियो पे आज हम बात करते हैं। आप सभी को पता है कि आखिर अस्थमा क्या है। अस्थमा ये हमारे लंग से रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसमें हमारे एयरवेज जो होते हैं उनमें क्या होती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग के वजह से एक्स्ट्रा म्यूकस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये एक्स्ट्रा म्यूकस का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे गले के पास जो थिन लेयर होती है म्यूकस का, उसका काम होता है हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करना। लेकिन जहाँ एयरवेज क्या हो गई है, स्वेल हो गई है, तो म्यूकस का प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ होती है, कफ होता है, बलगम बनता है और साथ ही साथ सीने में उनको जकड़न महसूस होती है और घड़घड़ की आवाज़ आती है। तो अब बात आती है कि आखिर अस्थमैटिक पेशेंट जो हैं, यानी कि जो दमा के पेशेंट हैं, उनको सारी तकलीफें आखिर रात के समय में ही क्यों आती है, सांस उनका क्यों फूलने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति रात के समय में सोता है तो हमारा जो लंग्स है वो एक्सपेंड होने लगता है पीछे की तरफ, जिससे पूरी तरीके से हमारा लंग्स जो है वो खुल नहीं पाता है और हमें ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ बढ़ने लगती है। पेशेंट घबराना स्टार्ट कर देता है, वो पसीना पसीना हो जाता है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है और खांसी जो आएगी वो पेशेंट को ज़्यादातर क्या आएगी, पहले सूखी खांसी आएगी, देन साथ ही साथ म्यूकस भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रीज़न यही है कि जो हमारा लंग्स है रात के सोने के टाइम पे वो पीछे की तरफ एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से क्या हुआ, प्रॉपर लंग्स की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे लंग्स को, वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है। इसके वजह से ही अस्थमैटिक पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ रात में बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर अस्थमैटिक पेशेंट की तकलीफ इसी रीजंस के वजह से रात में बढ़ती है, इसके और भी एक रीजंस हैं। अगर हम दूसरे रीजंस की बात करें कि आखिर क्यों सांस लेने की तकलीफ अस्थमैटिक पेशेंट में बढ़ जाती है, तो वो है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला हॉर्मोन्स। अब वो कौन सा हॉर्मोन्स है, कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स। अब इसका काम क्या है आखिर हमारे बॉडी में, कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स का काम होता है कि वो जितनी भी तरीके की बीमारियां हैं उनसे हमें बचाना, उनसे हमें प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब यही कॉर्टिसोल हॉर्मोन जो है सोने के टाइम पे, जब हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, यानी कि जब हम स्लीपिंग पोजीशन पे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो यही कॉर्टिसोल हॉर्मोन क्या है, हमारी बॉडी में कम बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमें सांस फूलना स्टार्ट होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स का काम क्या है, हमें जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें, उनसे हमें प्रोटेक्ट करना, यानी कि हमें बचाना, हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाना। लेकिन जैसे ही कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स का लेवल्स धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही हम सोते हैं, स्लीपिंग मोड पे होते हैं, तो हमें सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। ये दो ऐसे रीजंस हैं जिनके वजह से अस्थमैटिक पेशेंट की ज़्यादा परेशानियाँ केवल रात के टाइम पे ही आती हैं, यानी कि सोने के टाइम पे आती हैं। अब ये तो रही परेशानियाँ, क्या रीजंस है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये इन रीजंस को कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो पहला है आखिर हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जो पहला उपाय है वो है, सोने से पहले आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना है, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात ही क्यों ना हो। अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं, आपको कफ की दिक्कत है, सांस लेने की दिक्कत है, या आप ब्रोंकियल अस्थमा से भी सफ़र कर रहे हैं, या आपको COPD भी है, तो एटलीस्ट आपको ल्यूक वार्म वाटर ही पीना चाहिए। ज़्यादा ना ही गर्म पानी पीजिए और ना ही ज़्यादा ठंडा पानी पीजिए। पानी ऐसा लीजिए जो हल्का गुनगुना हो, जिससे क्या हो कि जो आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन हुआ है, जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है और ख़ासकर जो स्वेलिंग हो रही है, वो हल्का गुनगुना पानी पीने से इन्फ्लामेशन कम होगा और साथ ही साथ जो आपका म्यूकस है, जो आपका बलगम है, वो क्या होगा, वो आपके एब्डोमेन में जाके मॉर्निंग के टाइम पे वो आपके स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिससे आपको सांस लेने की तकलीफ़ धीरे धीरे आपकी
कम होगी। दूसरा आपको उपाय क्या करना है कि कुछ आपको जो आपकी रात की डाइट है वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ऑयली होना चाहिए, ना ही ज़्यादा मसाले वाली होनी चाहिए, और ही ना ही ज़्यादा आपको किसी भी तरीके का खट्टे फूड आइटम का सेवन करना है। जैसे किसी भी तरीके का खट्टे फूड का आइटम का सेवन करते हैं, जैसे कि अचार हो गया या लेमन हो गया, तो ये क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा म्यूकस का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा और रात में आपको खांसी और सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाएगी। तो रात का जो खाना है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर कोई भी अस्थमैटिक पेशेंट है, अगर वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी कंज्यूम कर रहा है, तो आपको इन चीज़ों को अपने लाइफ से बिल्कुल ही कट ऑफ कर देना है। जहाँ ही आप स्मोकिंग या अल्कोहल करके अगर रात में सो रहे हैं तो क्या होगा, आपके म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, जो ऑक्सीजन आपके लंग्स को रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, वो और भी ज़्यादा कम होती चली जाएगी, जिसके वजह से आपको अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी आपको अवॉइड करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप सभी को समझ में आया होगा कि आखिर सांस लेने की तकलीफ़ रात के टाइम पे ही क्यों बढ़ जाती है, अगर बढ़ती है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।